दोस्तों आईटीसी के रिजल्ट्स क्वार्टर वन के अनाउंस हो चुके हैं, तो आपको पता ही होगा आईटीसी के शेयर ने पिछले 3-4 महीने में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। 25-30% से ज्यादा के रिटर्न्स इसके शेयर ने दिया है। अब इसके रिजल्ट्स क्वार्टर वन के कैसे आए हैं ये इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। हालांकि इनिशियल नंबर देख के ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स जो है वो उम्मीद से बेटर यहाँ पर आए हैं और अभी तक के काफी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं डिटेल में इसके किस सेगमेंट ने कितना रिटर्न्स और किस हिसाब से इसका मार्जिन यहां पर दिखता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों यहां पर मैंने इसके रिजल्ट्स अभी ओपन कर लिए हैं, जो आज ही अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं। पहले हम देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स यहां पर कैसे दिखते हैं, फिर हम ओवरऑल इस कंपनी का एक ब्रीफ यहां पर देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू की बात करेंगे तो इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिलता है। चाहे आप लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, और या फिर अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है इनके रेवेन्यू में अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट्स भी देखेंगे तो ओवरऑल प्रॉफिट में यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब एक बार इस सेगमेंट वाइज इसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देख लेते हैं, उससे एक बेटर पिक्चर हमें यहां पर समझ आएगी। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू यहां पर मैंने इसका ओपन कर लिया है। तो सिगरेट बिजनेस का अगर रेवेन्यू देखेंगे 6600 करोड़ के आसपास का आया है, जो लास्ट क्वार्टर में 6400 करोड़ के आसपास का आया था। तो सिगरेट बिजनेस में इनके एक स्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल सिगरेट बिजनेस में भी रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लगभग आप मान सकते हैं फ्लैट यहां पर सिगरेट बिजनेस के रेवेन्यू देखने को मिलते हैं। एफएमसीजी अदर्स यानी कि इसका जो बिजनेस होता है, जो एफएमसीजी का मेन बिजनेस है इसका, उसको ये एफएमसीजी अदर्स बोलते हैं, जिसमें इनके नूडल्स बिस्किट ये सारा बिजनेस कवर हो जाता है। वहां पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, 8-9% के आसपास की ग्रोथ अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो देखने को मिलती है। 4100 करोड़ का रेवेन्यू था पिछली बार, जो अभी बढ़ के 4400 करोड़ के आसपास का यहां पर आ चुका है। तो यहां पर भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। होटल बिजनेस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे रीओपनिंग कंप्लीटली हो चुकी है, तो होटल बिजनेस में भी इनके रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को यहां पर मिल रहा है। ओवरऑल एग्री बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट है। उसके अलावा पेपर बोर्ड पेपर्स एंड पैकेजिंग देखेंगे तो वहां पर फ्लैट यहां पर नंबर्स दिखते हैं। तो जो मेजर इसका ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रहा है वो एग्री बिजनेस में यहां पर देखने को मिल रहा है, होटल बिजनेस में देखने को मिल रहा है। सिगरेट बिजनेस के रेवेन्यू लगभग सेम आए हैं। एफएमसीजी अदर्स में भी 7-8% का यहां पर इंक्रीमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम इसे कंपेयर करते हैं। मेजर ग्रोथ जो यहां पर आई है वो एग्री बिजनेस में इसके यहां पर देखने को मिलती है। अब ओवरऑल इसके प्रॉफिट देख लेते हैं, थोड़ा हमें बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप यहां पर सिगरेट बिजनेसेस में देखेंगे तो सिगरेट में इसका एक बहुत ह्यूज मार्जिन है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, 60-70% के आसपास का मार्जिन इसका रहता है। वही मार्जिन अभी भी दिखता है, 6600 करोड़ के रेवेन्यू के अगेंस्ट 4200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू ये अभी जनरेट कर रहा है, तो प्रॉफिट ये जनरेट कर रहा है। तो यहां पर भी अच्छी खासी यहां पर ग्रोथ दिखती है, लेकिन जो इनका एफएमसीजी अदर्स है उसके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आई है। अगर आप रेवेन्यू अगर आप प्रॉफिट की यहां पर बात करते हैं, यानी कि इनके जो ओवरऑल मार्जिन है एफएमसीजी अदर्स में, उसमें गिरावट देखने को यहां पर मिल रही है। तो एफएमसीजी अदर्स का जो इसका बिजनेस है उसके जो मार्जिन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कंपनी का। अगर इसके मार्जिन अगर आप अभी देखेंगे, इसके मार्जिन 5% के आसपास है, 4400 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू के अगेंस्ट प्रॉफिट सिर्फ 200 करोड़ के आसपास है, 5-5.5% के आसपास इसके रेवेन्यू है। जैसे जैसे इसके एफएमसीजी अदर्स के मार्जिन इंप्रूव होंगे, वैसे वैसे इस कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगी, जो अभी भी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये एक कंसर्न आने वाले टाइम में भी रहने वाला है। होटल बिजनेस में अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ आ गया है, पहले नेगेटिव आया था, लॉस में था 34 करोड़ के लास्ट क्वार्टर में, जो कि अभी 112 करोड़ के प्रॉफिट में आ गया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात कंपनी के लिए हुई है। होटल बिजनेस काफी टाइम से इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न का मैटर बना हुआ है, लेकिन यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी फिर से इसके होटल बिजनेस में आती हुई दिखी है। उसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे, एग्री बिजनेस में भी बहुत ज्यादा इनके मार्जिन नहीं है, रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है
लेकिन उसके बाद भी जो मार्जिन है वो अभी भी ग्रोथ वहां पर देखने को नहीं मिली है। उसी तरह अगर आप पेपर बोर्ड्स में देखते हैं तो पेपर बोर्ड्स में अच्छा मार्जिन में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के। सिगरेट बिजनेस के इसके काफी एक 60-70% के आसपास इसके रेवेन्यू मेंटेन्ड है। एफएमसीजी अदर्स के रेवेन्यू का जो मार्जिन है वो इनका कम हो गया है। मार्जिन मेजरली इसका रीजन जो अभी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ रहा है वो एक रीजन यहाँ पर होगा। उसकी वजह उसके अलावा होटल बिजनेस के मार्जिन अच्छे हो गए, पॉजिटिव बात है। एग्री बिजनेस के मार्जिन कम हो गए हैं और पेपर बोर्ड्स के अच्छे हो गए। तो मार्जिन के एंगल से जो एफएमसीजी अदर्स है वो एक मेन कंसर्न है। बाकी होटल बिजनेस के जो अच्छे मार्जिन हुए हैं उसकी एक बहुत पॉजिटिव बात है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से उससे बेटर ही नतीजे यहां पर इस कंपनी ने पेश किए हैं। और दोस्तों ओवरऑल अगर आप यहां पर मार्जिन्स देखेंगे तो 33% है। अगर आप कंपनी वाइड इसके मार्जिन्स देखेंगे ऑपरेटिंग तो ये भी एक कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रही है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि इनका जो सिगरेट बिजनेस है उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का असर उस पर बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो वो इसलिए ये अपने जो मार्जिन्स है उनको अभी भी इस टाइम पे भी प्रोटेक्ट कर पाई है। ओवरऑल कंपनी ने अपना हाईएस्ट यहां पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे पिछले कई क्वार्टर्स में यहां पर पेश किया है। 4400 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहां पर इस कंपनी को हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छे रिजल्ट्स आप यहां पर मान सकते हैं इस कंपनी के। हालांकि इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो 308 रुपए के आसपास हो चुका है, अपने 52 वीक हाई के आसपास इसका जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन कि ऐसी मार्केट्स में जहां पर इन्फ्लेशन का बहुत प्रेशर आता है ऐसे बिजनेसेस जो लगातार प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं ऐसे बिजनेसेस का बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर ही रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन जो शेयर है इसका वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भाग चुका है। तो कल एक बारी देखते हैं कि कैसा इसका ओवरऑल स्टॉक पे रिएक्शन आता है। ओवरऑल अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स काफी इसने पेश किए हैं। उम्मीद करता हूं इस छोटी सी वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।